नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल मेरा पानी मेरी विरासत योजना। लेकिन इसको लेकर के सरकार के खिलाफ किसानों का हल्ला बहुत, सड़कों पर उतरे किसान, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्राली को लेकर के फतेहाबाद पहुंचे किसान, लघु सचिवालय के सामने जबरदस्त प्रदर्शन। किसानों ने प्रदर्शन में कांग्रेस के युवा नेता तथा पूर्व विधायक जनैल सिंह, पूर्व CPS प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा, इन सब ने सरकार को घेरा। इन्होंने कहा कि सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो आर पार की जंग होगी। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि जबरदस्ती थोपे जा रही है सरकार अपने फैसले। उन्होंने कहा कि किसान धान लगाएंगे और हर हाल में लगाएंगे, सरकारें किसानों को ठगती आ रही है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। तेजी से गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए सरकार द्वारा लाई गई योजना मेरा पानी मेरी विरासत अब सरकार के लिए ही सरदर्द बन गई। आज किसानों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया और सरकार के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। हजारों ट्रैक्टर ट्रालियों का पर सवार होकर के किसान जिले के आज लघु सचिवालय पहुंचे, सरकार के निर्णय के विरोध प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर ट्रालियों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि फतेहाबाद पर लंबा रोड और लंबा जाम लगा। वहीं किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर के कांग्रेस नेता भी आगे आए। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार की जमकर खिंचाई की और उन्हें किसान विरोधी बताया। कांग्रेस नेता पूर्व विधायक जनैल सिंह और CPS प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा ने सरकार के इस फैसले को तुगलकी फरमान बताया। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार राहत देने की बजाय परेशान कर रही है। सरकार ने जो योजना लागू की है वह योजना कम और आदेश ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि सरकार धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलें लगाने की बात कर रही है, मगर भूल रही है कि जिन फसलों की बात सरकार कर रही है उनका न तो समर्थन मूल्य सरकार दे रही है और न ही फसलों को खरीदने के लिए और बेचने के लिए कोई मंडी स्थापित की। आप देख रहे हैं पर्पल की विशेष रिपोर्ट। वो भी खेतों के रुलती आ रही है और हजे तक पेमेंट भी जी लागू नहीं की गई है। पेमेंट भी जी अज तक नहीं किसानों मिली। किसान अजा पहले ही रोई रहे हैं। उत्तों ये तुगलकी फरमान जोड़ा है किसानों जीरी ना दान का दिता है। ये बहुत घटिया सरकार, इस करके जोड़े ने लोग अच्छ हज़ार की तादाद के जोड़े किस पिंड लोग जोड़े ने
ट्रैक्टर के जारी जरिए सरकार दे तक अपना मैसेज भेजना चाह जा रहे हैं कि जिहड़ा है तुहाडा सर जिहड़ा है ये फैसला जिहड़ा बहुत गलत है और अगर तुसीं ये फैसला जिहड़ा लागू करोगे तो जिहड़ा किसान जिहड़ा है इत्थे होर भी ज़्यादा जिहड़ा अंदोलन जिहड़ा तेज़ करांगे इत्थे और इत्थों तक कि सड़कां नूं जाम करन दी जरूरत नहीं आ जिन्ना वड्डी कुर्बानी देनी पई असीं ओह कुर्बानी देण नूं तैयार सरकार नहीं मान के आगे क्या करूंगा आगे कार्रवाई आगे हम कार्रवाई करेंगे सारे साथी मिलकर जो भी किसान यूनियन जो भी साढ़े किसान जथेबंदियां जो भी असं सारे मिलकर साथी जो अगला फैसला होएगा अगर सरकार नहीं मनती इस तो वड्डा होर भी अंदोलन जिहड़ा है किन्नी भी वड्डी तो वड्डी कुर्बानी देनी पएगी असं कुर्बानी देने अच्छ किसान तैयार है कितने ट्रैक्टर काफिला निकाला गया है सर ये घट तो घट 5000 ट्रैक्टर का काफिला जिहड़ा है रतीए तो चलता होया इत्थे फतेहाबाद तक पहुंचा है और तुसीं देख ही रहे हो लारा किन्ना एक घंटा हो गया है ट्रैक्टर चल रहे हैं और पीछे भी बहुत लंबा काफिला है 5000 ट्रैक्टर जिहड़ा है आज इस जहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे सर सीएम साहब ने घोषणा की हुई है कि जो किसान अगर धान की पोती नहीं करता है तो उसको हम 7000 या सब उससे कोई समथिंग देने के बाद क्या बिल्कुल नहीं है ये सारा लॉलीपॉप है कोई इस तरीके की अपना कोई नहीं की है कि 7000 रुपये के किसान का की होंगे कुछ भी नहीं हो रहा कोई होर दूसरिया फसलों तुम दे भी रहे हो जड़िया उन्होंने घट तो घट रेट निर्धारित किया जाए असं मक्का कह रहे तुम मक्का बीजो मक्के का रेट तो सब दसो किस किसान किस रेट सरकार खरीदेगी पहले सरसों का रेट क्या 4000 रुपये असं खरीदा सरसों का जी है 2800-2500-3000 तो घट मार्जिन रेट से खरीदी गई और हालात तक कि किसानों को यह कह दिया गया कि किसान की वो भी 25% खरीद की पूरी नहीं खरीद की सरसों की पिछली बार और सरसों की अगर पूरी खरीद की जे कोई किसान जथेबंदियां गई तो खट्टर साहब ये कह रहे हैं भाई यहाँ तेल कटा के घर रख लो ये मुख्यमंत्री ने साडे विचार ने इस करके जिहड़ा है सारा घोसला है कोई किसी तरीके की कोई सिर्फ किसानों को गुमराह करन दी इह गल है किसान जथेबंदियां सारिया किसान अज जागरूक हो चुके हैं सारा कुछ समझते हाँ ज्ञापन देने वास्ते ही असं आए हैं अपना रोस प्रदर्शन करने वास्ते सारे किसान जथेबंदियां आईया ने और DC साहब को ज्ञापन असी कमाला पिंड तो आए हैं जी ये गंदी सरकार नूं वोटां पाईआं ने सब तो बेकार सरकार है जिद्दां दी सरकार बनी है कदे कासे दीआं लैणां चला लैंदी है कदे कासे दीआं चला लैंदी है साडी जीरी बंद करती साडा कहिंदे थल्ले जांदा है इहने पहलां दसणा सी कोई इंतजाम करो सानूं फसलां दा रेट दिओ जिहड़ियां नहीं बीजणियां ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਨ ਲਾਊਗਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ 7000 ਰੁਪਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਚੋ ਨਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੋਟਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਣਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 40 ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ खेती बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर आज जो खट्टर ने एक तानाशाही फरमान सुनाया जैसे अंग्रेज राज के तहत किसानों को फरमान सुनाया जाते थे ऐसा फरमान आया भी हम नारा दिया गया है मेरा पानी मेरी विरासत ये खोखला नारा है क्योंकि हमारे क्षेत्र में गग्गर नदी बह रही है उसका जो पानी है कुछ फैक्ट्रियों ने पोल्यूट कर दिया है वो चंद फैक्ट्रियों का गंदा पानी नहीं बंद करवा सके गग्गर नदी को नहीं साफ कर सके निचले पानी की क्या बात कर रहे हैं जो यदि उनको इतनी चिंता होती पानी की पहले भुना शुगर मिल चलाते दूसरी फसलों की भाव की और मंडीकरण की गारंटी लेते तो किसान अपने आप धान का एरिया कम करता था किसान की भी चिंता पानी वाली मगर सरकार किसानों से जमीन लेना चाहती है वो कारपोरेट जो कंपनियां उनकी दलाली कर रही है ताकि यहाँ की जो खेती है पिट जाए किसान आसानी से ज़मीन दे दे ऐसी मंशा से खट्टर सरकार ये नीति लेके आई है मगर लोगों में ये भरम पैदा कर रही है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचा रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी नहीं बचा रहे पानी बचाना होता तो अन्य फसलों का पहले बदल पेश करती उन्होंने तानाशाही फरमान सुनाया आज हम कोरोना वायरस के तहत एक ट्रैक्टर रैली लेके आए हैं ये चताने के लिए आए हैं यदि किसान के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे चाहे कोई मुकदमा दर्ज कर लो कोई इनकी जेल हो हम डरेंगे नहीं क्योंकि हमने हर हाल में फसल बोनी है यदि हमारी फसल ना हुई हमारा इलाका पहले कर्जे की मार के नीचे है पहले नरमे ने तबाह किया नकली बीज नकली स्प्रे सरकारों ने बेची और नरमा हमारे खेत चला गया हमारे खेतों से अब जो नीति लेके आए हैं ये कह रहे हैं नाटक कर रही है नए सरकार और ये कोरोना का भी आज जो दौर था ऐसे दौर में इसको ये नीति देके नहीं आनी चाहिए थी हम सरकार की इस नीति का कड़ा विरोध करते हैं आज ये चताने के लिए आए हैं हम तैयार हैं इस बार सरकार के साथ लठ उठा के भी लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे कितने गांव के किसान आपके 52 गांव के किसान हैं
सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग इसमें शामिल है। किसान अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए सड़क पर है। अब सरकार तय करेगी, यदि सरकार ने नीति वापस ना ली तो सरकार से टक्कर लेने के लिए हम तैयार है। मांग नहीं मानते, जिस राज आया तो ज्ञापन दोगे किसी को? ज्ञापन हमने पहले भी दे चुके, आज भी देंगे। ये एक लोकतंत्र का तरीका है, यदि सरकार हमारे से ऊपर कोई तानाशाही नीति अपनाएगी तो हम उसका जवाब उसी हिसाब से देंगे। क्यों ये बड़ा कदम उठाना पड़ा, पहले बातचीत हुई सरकार की? सरकार मैं कह, जो सरकार को इतनी चिंता होती पानी वाली, मैं पहले कह कहता हूँ अन्य फसलों के भाव तय करती, दो साल पहले एक्सरसाइज करती, बाग लगवाती और किसान को कहती भी ये मूंगी का मंडीकरण की गारंटी लेती, जो पंचायती जमीनों थी उनमें ट्रायल लगाती भी इतनी आमदन हो सकती है इसमें, जो पक्के खेत है जहाँ चिकनी मिट्टी है जहाँ धान होगा जहाँ गन्ना होगा, मगर जो गन्ना जो मिल हमारी मिल बंद पड़ी है, हमने 75 दिन पहले धरना लगाया मगर सरकार ने आज तक वो बात नहीं सुनी। मिल चलती है तो हजारों एकड़ जमीन अपने आप धान से करके में से निकल जाती है, मगर सरकार की मंशा पानी बचाने के नहीं है। ये हमारे कॉरपोरेट कंपनियों को जमीन देने की तरफ एक कदम है, हम इसका डटकर विरोध करेंगे। और इस बार रतिया इलाके के किसान, हरियाणा नहीं मगर देश के लोग देखेंगे कि इतना बड़ा आंदोलन किया है, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है। हम सरकार से टकराने के लिए भी तैयार है। जिस तरह आप कह रहे हो धान लगाओगे, आप सरकार का कह रहे हैं किसान धान लगाते हैं तो ना तो उनकी फसल खरीदी जाएगी ना 7,000 रुपए सब्सिडी आ रही वो दी जाएगी। पहले उन्होंने गाठे बनाने पे 1,000 प्रति एकड़ का ऐलान कर रखा है, कितने किसान आए कितने उन्होंने गाठे बनाई है, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। बीमा कंपनियों को खुलम खुली लूट का छूट दे रखी है। पहले उन्होंने जो चौपर थे गांठे बनाने वाली मशीन थी लाखों रुपए का सामान बेच दिया, अभी ढांचे का बीज बेच दिया, सरकारी दुकानों पे धान का बीज बेच लिया और हर तरह से मतलब किसान को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मगर इस बार हम बेवकूफ नहीं बने, ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हर लड़ाई लड़ेंगे सरकार से। और इस ये फैसला वापस नहीं लेगी। अभी ये कह रहे 50 HP वाले, आप अभी दुष्यंत जो उप मुख्यमंत्री है वो इतना घटिया बयान दे रहा है कि वो कहते नहीं ये स्कीम है, ये आंदोलन को देखते जो पाबंदी इसको स्कीम में बदलने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि सरकार डर गई आंदोलन से, तो वो कह रहे स्कीम है। और इनके अधिकारी कह रहे हैं, फोन कर रहे हैं अभी, 50 HP वाला धान नहीं लगा सकता, ये स्कीम है कि पाबंदी है, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। आज आंदोलन को फेल करने के लिए दुष्यंत ने एक वीडियो जारी की, मैं कहता हूँ सबसे झूठा आदमी दुष्यंत है, क्योंकि वो खट्टर की नीति को फॉलो कर रहा है, जो लोगों से वादा करके आया था कि मैं किसान के लिए लड़ूंगा, मैं पेंशन की बात करूंगा, मैं कर्जा मुक्ति की बात करूंगा, आज उसे ठेका चलाने की जब बात है और फतेहाबाद के अंदर करोड़ों रुपए की दारू दो नंबर में बिक जाती है, ये दुष्यंत जैसे लोग ये किसानों के तहसी नहीं हो सकते। इस बार किसानों ने खुद नेतृत्व करना पड़ेगा, किसी के पीछे नहीं लगेंगे, बड़ा आंदोलन हम करने के लिए तैयार है। ये सरकार तय करेगी ये शांतिमय रखना चाहती है या टकराव करना चाहती है। कितने ट्रैक्टरों का फिलहाल ये कम से कम 3,000 ट्रैक्टर, 2500 से प्लस ट्रैक्टर हैं, जो 2500 से हमारी रिपोर्ट है। हमने 52 गांवों में 3-3 बार मीटिंगें कमेटियां गठित कर लिया, हर हम लड़ाई के लिए तैयार है। जब इस सरकार को फैसला वापस लेना पड़ेगा और जो बदल पेश कर दे, हमें जितना धान में आमदन है उस उतनी गारंटी कर ले, हम धान नहीं लगाएंगे, हमारा भी मंशा भी पानी बचना चाहिए। मगर सरकार की नीति किसान के खिलाफ है और सरकार के खिलाफ फतवा जारी कर दिया रतिया के किसानों ने, बड़ी लड़ाई हम लड़ेंगे। क्या किस तरह समर्थन किसानों का करेंगे जो सरकार का तुगलकी फरमान दिए, कितना तो सही मानते हैं और कितना गलत मानते हैं? आज हमारे आने का मकसद है जो खेती बचाओ संघर्ष समिति रतिया के हमारे किसान भाइयों ने बनाई है, ये संघर्ष समिति जो सरकार ने ये फैसला लिया अचानक ही, इन्होंने कह दिया कि धान की बिजाई ना हो, इस मामले में आज मैं इनको अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन देने आया हूँ। अभी पिछले दिनों आपने हमारी पार्टी के नेताओं के बयान भी सुने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कह दिया था कि अगर सरकार ने ये फैसला करना था तो अभी, जैसे हमारे संघर्ष समिति के प्रधान जी आपको बता रहे थे, ये सच्चाई है कि मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, और पिछली बार भी जब ये बात आई तब हमने पूछा कि कोई अल्टरनेटिव दे दो, रतिया इलाके के अंदर, फतेहाबाद के अंदर, सरसा के अंदर डार्क जोन जो इन्होंने किया है, जितने गांव हैं इन सारे गांव में ये फ्लडेड एरिया है, एक भी कोई सरकार का आदमी हमें इस बात की तसल्ली करा दे भी इन गांव में धान के सिवाय इस सीजन में क्या फसल हो सकती है। आज ये जितने किसान आए हैं हम सब साथ आए हैं, टकराव के मूड में कोई भी नहीं है, सिर्फ आज किसानियत को बचाने की बात है। अगर सरकार ने ये फैसला वापस नहीं लिया तो जो ये रतिया इलाका है या जहाँ पर धान नहीं लगाने का सरकार ने फैसला कर लिया, वो उस किसान तो वैसे ही तबाह हो गया, उनके कोई फसल हो ही नहीं सकती। नरमा पिछले साल पिट रहा है, अब सरकार ने ये कह दिया, अब MSP डिक्लेयर कर दी कि अगर ना देंगे 7,000 रुपये हम देंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से खट्टर साहब से कि खट्टर साहब ने आज तक जब से मुख्यमंत्री बने हैं पर्टिकुलर किसान के लिए कोई भी बात कही है, एक बात पूरी की हुई साबित कर दो। पिछली बार इन्होंने कहा पराली की जब बात आई
इन्होंने कहा किसान पराली ना जाए, एक एक हज़ार रुपये हम एकड़ के देंगे। आज मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ, हरियाणा में एक किसान साबित कर दे, एक, जिसको इन्होंने पराली का 1000 रुपया दिया हुआ। पिछली बार इन्होंने कह दिया कि मक्का लगाओ, जो मक्का लगाएगा उस किसान को हम 2000 रुपये देंगे और मक्के की प्रोक्योरमेंट करेंगे। मैं आज सरकार से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर एक पैसा 2000 रुपये के हिसाब से किसी किसान को सरकार ने दिया तो किसान सरकार बता दे। मक्का बाजरा इन्होंने 2100 रुपये पिछली बार बाजरे का रेट डिक्लेयर किया। सारे हरियाणा प्रांत में सरकार ये हमें साबित कर दे भाई, एक क्विंटल बाजरा 2100 रुपये में खरीदा हो। पिछली बार 1760 रुपये मक्के का रेट था, अगर मक्का 1760 में खरीदा हुआ हो, अब सरकार का क्या विश्वास करें। यही खट्टर साहब थे, इन्होंने आपके सामने ये कहा था कि जो किसान मई के अंदर ये लेके आएगा गेहूँ बाजार के अंदर, उसको 50 रुपये बोनस देंगे, और जो जून में लेके आएगा 125 रुपये देंगे। आज मैं पूछना चाहता हूँ बोनस की कोई बात इन्होंने की? कुछ नहीं। एक भी बात सरकार ने जो कही उसके ऊपर विश्वास किसान कैसे करें। इसलिए मैं आज सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो फैसला है ये इमीडिएट वापस ले, ये फैसला सरकार वापस ले, ताकि किसान की किसानियत बचे, किसान की फसलों का वजह से किसान जो है वो बच जाए। इसलिए आज मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपने तरफ से इस किसान संघर्ष समिति को अपना समर्थन दे रहा हूँ, और अगर जो ये फैसला संघर्ष समिति करेगी, किसान कांग्रेस पार्टी और हम इनके साथ हैं। धन्यवाद।